नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फेस्टिव सीजन चल रहा है और गेट टुगेदर घर में चलती है, स्पेशली दिवाली के दिन। तो आज हम बनाएंगे गेट टुगेदर स्पेशल पनीर की सब्जी। जब भी गेट टुगेदर होती है, हम एक पनीर की सब्जी तो घर पे बनाते ही हैं। आज हम बहुत ही बढ़िया पनीर की सब्जी बनाएंगे, बिल्कुल ढाबे स्टाइल की, वैसी जैसे कि हाईवे के ढाबों में आपको मिलती है, क्योंकि रेस्टोरेंट से भी बढ़िया बनती है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही आसान है बनाना, चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ढाबा स्टाइल हम पनीर की सब्जी बना रहे हैं, तो हम सबसे पहले तो पनीर लेंगे, बिल्कुल फ्रेश पनीर, और इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में इसको कट कर लेंगे। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं करेंगे, इस तरह से मीडियम साइज हम कट करेंगे। बाकी अगर आपकी मर्जी जिस तरह से भी हो, आप उस तरह से कट करके रेडी कर सकते हो। तो ये हमने पहले रेडी कर लेना है। उसके साथ ही हमने लेना है एक शिमला मिर्च, एक हमने टमाटर लेना है हार्ड वाला, और एक हम लेंगे प्याज। तो इन सब चीज़ों को हमने सबसे पहले तो धो लेना है, और धोने के बाद हम इसको कट कर लेंगे। तो शिमला मिर्च के भी धोकर हमने सीड निकाल लिए, और इस तरह से इसको छोटे पीसेस में हमने कट कर लेना है। इसी तरह से टमाटर के भी हमने सीड निकाल दिए, इसको डी सीड करके इस तरह से कट कर लेंगे, और प्याज को भी हम इस तरह से अलग अलग कर लेंगे। प्याज के चार टुकड़े करके उसको जो है पीसेस करके ना, तो हमने इस तरह से इसको अलग अलग कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें हमने रेडी कर लेनी है। इसके बाद हम लेंगे ये प्याज, हमने चार प्याज लिए मीडियम साइज के, और लंबा लंबा इस तरह से पतला पतला जो है हमने इसको कट कर लिया। तो इस तरह से पतला पतला हम इसको कट। सबसे पहले तो हम लेंगे एक कढ़ाई, जिसमें भी आप बनाना चाहते हो वो ले सकते हो, और कढ़ाई को हम गैस के नीचे से कर देंगे ऑन, और इसके अंदर डाल देंगे हम कुकिंग ऑयल। तो कोई भी कुकिंग ऑयल आप यूज करते हो वो हम इसमें डाल देंगे। मैंने जो है एक कड़छी के करीब जो है इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया, और इसको थोड़ा सा हम गर्म हो, जब आपको लगे कि ऑयल अच्छे से गर्म हो गया, तब इसमें हम कटी हुई शिमला मिर्च डाल देंगे। इस तरह से हमने ऑयल को गर्म कर लिया। इसके साथ ही टमाटर भी डाल देंगे और प्याज भी डाल देंगे। तेज गर्म हमने गैस में जो है इसको बनाना है, और तीनों चीज़ें हमने इकट्ठी डाल दी हैं, और गैस को फ्लेम हमने फोल रख लिया, और इसको हल्का हल्का हमने इसको सॉटे कर लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, हमने सिर्फ हल्का हल्का ही इसको सॉटे करना है। ध्यान रहे कि जब भी हम इसको डालें तो गैस का फ्लेम जो है काफ़ी तेज़ होना चाहिए, घी हमारा जो है ऑयल काफ़ी गर्म होना चाहिए, क्योंकि हमने इसमें टमाटर भी डालने हैं, और टमाटर जो है इसको थोड़ा सा ठंडा कर देता है, क्योंकि इसके अंदर जो है थोड़ा सा पानी की कंटेंट ज़्यादा होती है। तो इस तरह से हमने इसको जो है सॉटे करना है, नहीं तो आप टमाटर जो है लास्ट में डाल सकते हैं। तो लीजिए, इसको हमने सॉटे कर लिया। तो पहले हम इसको प्याज और सॉरी ये जो शिमला मिर्च है और टमाटर, इसको निकालेंगे पहले। टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, तो ज़्यादा देर हमने टमाटर को अंदर नहीं पड़ने देना है। गैस का फ्लेम तेज भाई, फुल गैस पे हमने इसको निकालना है, और सबसे पहले हम शिमला मिर्च निकालेंगे, और इसके साथ ही हमने टमाटर निकाल लेने, और प्याज जो है उसी में लास्ट में हमने इसको निकालना है। तो आप देख सकते हो शिमला मिर्च और टमाटर जो है ऑलमोस्ट निकल चुका है। टमाटर और शिमला मिर्च निकल चुके हैं, और अब प्याज को भी निकाल लेते हैं। आप देख सकते हो इसी तरह से हमने करना है, ज़्यादा इसको बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्रंच इसके अंदर रहना चाहिए। तो देखिए तीनों चीज़ों को हमने कर लिया। अब जो हमने प्याज लंबे लंबे कट करे थे, वो सारे प्याज में इसमें डाल दिए। तो चार हमने मीडियम साइज के प्याज दिए, इसको लंबा लंबा इस तरह से काट लिया, और इसको हमने इस तरह से डाल देना। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे लहसुन। लहसुन को हमने छील लिया है, और 5 से 6 फ्लेक्स हुए हमने इसमें लहसुन के डाल दिए। हिला लेंगे, गैस का फ्लेम तेज रखेंगे, और इसको थोड़ा सा हमने जो है ड्राई, थोड़ा सा हमने इसको सॉटे कर लेना है, हल्का गोल्डन ब्राउन करेंगे इसको लगातार हिलाते हुए, ताकि सब जगह से बराबर का गोल्डन ब्राउन हो जाए। आप देख सकते हो हल्का हल्का जो है इसका कलर चेंज होने लगा है, पिंक होने लगा है। इस स्टेज पे मैं इसमें डाल दूँगी नमक। तो आधा चम्मच के करीब मैंने इसमें नमक डालना, आधा चम्मच से थोड़ा सा कम ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं। अच्छे से इसको आप देख सकते हो हल्का हल्का जो है ये गोल्डन ब्राउन होने लगा है, और इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे अपने टमाटर। ये मैंने लाल लाल टमाटर लिए, तो 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, और इसको कट कर लिया, और इस तरह से डालेंगे। अगर आपके पास सॉफ्ट टमाटर हो तो आप थोड़ा सा सॉफ्ट वाले टमाटर लें, लेकिन टमाटर जो है फ्रेश होने चाहिए, और इसके साथ साथ बिल्कुल रेड कलर के होने चाहिए, तभी जो है हमारी सब्जी का कलर जो है बढ़िया आएगा, बिल्कुल उसी स्टाइल के बनेंगे जैसे कि ढाबों में बनते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमने जो है इसको टमाटर डालकर इस तरह से हल्का सॉफ्ट कर लेना है। अब हम गैस को बंद कर देंगे, और सारे जो टमाटर और प्याज हैं और लहसुन है, इसको ठंडा होने देते हैं। इसको हमें बिल्कुल ठंडा कर लेना है।
इसी प्रोसीजर से बनाओगे तो आपका भी बिल्कुल उसी स्टाइल के जो है पनीर बनेगा, जैसे कि ढाबो स्टाइल का हाईवे का पनीर होता है ना, बिल्कुल उसी टाइप का बनेगा। बिल्कुल इसी तरीके से सारे टिप्स और ट्रिक्स एंड तक फॉलो कीजिए और आप देखिए आपका पनीर जो है ऐसा बनेगा कि लोग आपसे पूछेंगे कि आपने ये जो है कैसे बनाया। तो एक बोल में मैंने इसको शिफ्ट कर दिया था, ये ठंडा हो चुका है, इसकी आप बिल्कुल अच्छे से पेस्ट बना, तो उसकी पेस्ट मैंने बना ली, आप देख सकते हो अच्छे से इसकी पेस्ट बन गई है। और थोड़ा सा जब इसको ग्राइंड कर लें उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के दोबारा से एक बार ग्राइंड कर लें, तो ये इस तरह से बढ़िया सी जो है पेस्ट बन के। अब उसी कढ़ाई के अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, और इस तरह से थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल देंगे, और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे प्याज, बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे, एक बड़ा प्याज लेकर इस तरह से चॉप कर लेंगे। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी एक चम्मच बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ अदरक। बिल्कुल इसी स्टाइल से जो है ये ढाबे वाले बनाते हैं, यही स्टाइल है बिल्कुल उनका। और इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी, इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी एक तेज पत्ता, दो लाल सूखी मिर्चें, एक मोटी इलायची। मोटी इलायची डालने के बाद इसको अच्छे से हिलाते हुए हमने जो है इसको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। गैस का फ्लेम तेज रखेंगे और तेज फ्लेम में जो है हमने इसको अच्छे से पका लेना है। ढाबे वाले जो है बिल्कुल इसी स्टाइल से बनाते हैं, जितनी देर ये जो है सॉटे हो रहा है उतनी देर हम एक बोल लेंगे और इसमें डालेंगे तिल, सफ़ेद तिल डाल देंगे 1.5 स्पून यानी कि 1.5 चम्मच। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे खसखस, ये डाल देंगे इसमें हम 3 चम्मच। इसको हमने मिक्सी के ग्राइंडर जार में डाल देना है और इसको अच्छे से जो है हमने अच्छे से हमने इसको पीस लिए इस तरह से। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे दूध, कोशिश करिए इसमें गर्म दूध डालने की, नहीं तो जो भी नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है वो आप इसमें डाल सकते हो। और इसके साथ ही जो है हमने इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर देना है। इस तरह से हमने इसको अच्छे से मिक्स करके इसको रख देना, हल्का हल्का ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। और इसके अंदर अब हम डाल देंगे अपने मसाले, मसालों में हम इसमें डालेंगे सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे अपना लाल देगी मिर्च, तो एक चम्मच भरकर हमने लाल देगी मिर्च डाल दी है और ऊपर से थोड़ी सी उसमें और डाल देंगे। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, धनिया पाउडर 1.5 स्पून हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, 1/3 स्पून इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो। और अच्छे से जो है सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और जब ये इस तरह से मिक्स हो जाए तब इसमें हम डालेंगे एक टमाटर हमने लिया उसको अच्छे से हमने चॉप कर लिया वो डालेंगे, मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, कितना बढ़िया सा कलर आ गया। अब जो हमने पेस्ट बनाई थी वो सारी पेस्ट जो है हमने इसके अंदर डाल देनी है। और इसको मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी डालेंगे अपने जार में, और वो भी पानी ना डालना चाहते हो तो आप इसमें थोड़ा सा दूध डालें, मैं जो है इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर दूंगी। अच्छे से इसको मिक्स करके इसमें हमने दूध को ऐड कर लेना है ताकि हमारा मसाला जो है बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। दूध से टेस्ट भी बढ़िया आएगा और इसका टेक्स्चर भी जो है बढ़िया हो जाएगा। अब मैं ऐड करूंगी इसके अंदर थोड़ा सा काला नमक तकरीबन 1/2 चम्मच करीब। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे नॉर्मल नमक भी थोड़ा सा, वो भी मैं इसमें तकरीबन 1/2 चम्मच के करीब ऐड कर लूंगी। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे, बस इस तरह से हिलाते हुए हमने इसको 1 मिनट के लिए जो है इस तरह से भून लेना। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे वो जो खसखस और तेल हमने डाले थे वो और दूध के अंदर भिगोए थे वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेना।
एक मिनट हो चुका है और अब हम इसके अंदर डाल देंगे एक कप मलाई। घर में निकली हुई फ्रेश मलाई डाल दें, ना हो तो आप एक कप जो है इसमें क्रीम भी डाल सकते हो। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना। तो 5 मिनट हो चुके हैं, हमने इस तरह से इसको हल्के फ्लेम में रखे हुए और ये अच्छे से पक गई है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से फ्लेवर जो है बहुत ही बढ़िया आएगा, बिल्कुल ढाबे स्टाइल का। तो कसूरी मेथी डाल देंगे इसके अंदर, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इससे खुशबू भी बहुत बढ़िया आएगी और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आएगा। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच टमाटो केचप। ये सारे स्पाइसेस को बैलेंस करेगा। अब इसमें डाल देंगे 1 छोटा टुकड़ा अमूल बटर का और इसके साथ ही हमने इसमें डाल देना है 1 चम्मच देसी घी। देसी घी से शाइनिंग आएगी इसके अंदर और टेस्ट भी एनहांस होगा। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे हम अपना पनीर। सारे पनीर को हमने इसके अंदर इस तरह से डाल देना है, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, यकीन मानिए बहुत ही ज्यादा जो है ये टेस्टी बनता है। 1 चम्मच या तो आप इसमें किचन किंग मसाला डाल दीजिए या फिर जो मेरा किचन किंग मसाला बना हुआ है वो डाल सकते हो उसमें, उससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। मिक्स कर लेते हैं और अगर आप और स्पाइसी चाहते हो तो इसमें मसाला और ऐड कर सकते हो आपकी चॉइस। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये जो शिमला मिर्च प्याज हमने डाले थे, टमाटर शिमला मिर्च और प्याज अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अब देख लो पनीर बहुत ही ज्यादा लाजवाब बना है। ये पनीर जो है बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है और देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट। अब ऐड कर देते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया। तो ये देखिए पनीर जो है बहुत ज्यादा यमी लग रहा है, मसाले से भरा हुआ है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, मुंह में घुल जाने वाला पनीर है। इसको आप जब बनाओगे आपको पता ही नहीं लगेगा कब आपने सर्व किया और कभी खत्म हो गया, इतना ज्यादा टेस्टी है। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करिए, आपका भी ऐसे ही बनेगा। अब मेरा बस चलता ना तो मैं इसको आपको पार्सल कर देती, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है पार्सल करना। तो आप इसको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स तरह बनाइए और बिल्कुल इसी तरह से पनीर जो है मजेदार सा बनाकर खाइए, खुद भी खाइए, गेस्ट को भी खिलाइए, घर वालों को भी खिलाइए। तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं, एंटर देखिए ताले सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आप तक पहुंची। और आप देखिए इसका शक्ल देखिए आप इसकी कितनी सुंदर लग रहा है ये पनीर हमारा, यकीन माने खाने में बहुत ही ज्यादा यमी टेस्टी है। तो लीजिए ये बनकर हो गया तैयार और अब हम करेंगे इसको सर्व। अब हम अपने ढाबे स्टाइल का जो पनीर हमने बनाया इसको सर्व करते हैं। ये देखिए तो बहुत ही ज्यादा जो है ये टेस्टी बना है। मैं गारंटी आपको कह सकती हूँ कि आज के बाद आप बाहर से खाना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करोगे। ये पनीर एक बार घर वालों को खिला दोगे या खुद खा लोगे ना तो आप भूल जाओगे कि बाहर से भी कभी को पनीर खाना। इतनी महंगी महंगी पनीर की सब्जियां आप बिल्कुल भी नहीं लोगे और घर में ही बनाकर खाओगे। तो लीजिए ढाबा स्टाइल का, हाईवे वाले ढाबे स्टाइल का पनीर जो हमारा तैयार हो गया, उसको आप गार्निश करते हैं। हल्का सा इस तरह से क्रीम से गार्निश कर देंगे, आपने देखा होगा कि वो लोग भी इसी तरह से करते हैं। और इसके ऊपर अब हम लगा देंगे हल्का सा हरा धनिया। और ऊपर से हम थोड़ा सा कद्दूकस करके हल्का हल्का इसमें पनीर डाल देंगे और गार्निश कर देंगे इसको थोड़े से अदरक के इस तरह से फ्लेक्स के साथ। और लीजिए ढाबे स्टाइल वाला हमारा पनीर जो है तैयार हो गया। और इसको और भी बिल्कुल परफेक्ट ढाबे वाला बनाना है तो क्या करें कि इसके ऊपर डाल दें थोड़ा सा हल्का सा 1 स्टेप जो है इसमें बटर की रखते हैं, अमूल बटर की इस तरह से। तो ये बिल्कुल लुकिंग जो देगा वो बिल्कुल ढाबा स्टाइल के देगा, लग रहा है ना बिल्कुल ढाबा स्टाइल का पनीर। इसे नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, आपको मजा ही आ जाएगा। रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस चीज फेस्टिव सीजन इसको जरूर ट्राई कीजिए। इसको चपाती के साथ खाइए, नान के साथ खाइए, तंदूरी फुलके के साथ खाइए, मजा आ जाएगा आपको। तो रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन जल्दी से दबा दीजिए, खूब शेयर करें इसे ताकि और लोग भी देख सकें। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, धन्यवाद।